आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी और मुझे लगता है कि आप लोग देश की राजनीति में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते होंगे, तब आप लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। और आपको ये भी मालूम होगा, ये लंबी रेस के राजनीतिक खिलाड़ी भी माने जाते हैं। आप देखेंगे तो 9 बार सांसद, लोकसभा सदस्य बने हैं। आप समझ रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये असफल खिलाड़ी हैं, आप तो यही कहेंगे कि राजनीति के क्षेत्र में एक काफी सफल व्यक्ति हैं। और आपको बता दूं कि इस इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, उसके बाद आप देखेंगे उनके बेटे संजय गांधी या राजीव गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं, फिर आप देखेंगे सोनिया गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं, अब आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ भी काम कर रहे हैं। और मेरा ये भी मानना है कि अगर राहुल गांधी ने टाइम से शादी कर ली होती तो आप देखते कि राहुल गांधी के बेटों के साथ, बच्चों के साथ भी ये राजनीति कर रहे होते। और आप सब लोगों को अगर मालूम ना हो तो आपको बता दूं कि ये 23 कंपनियों के मालिक भी हैं। और 2014 में इन्होंने, जब आप देखेंगे लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ा था, तब इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। तो आप देखेंगे सबसे अमीर उस समय के लोकसभा सदस्य बने थे, 187 करोड़ की संपत्ति है इनकी। और आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी इन्हें अपना तीसरा बेटा भी मानती थी। एक तो आप जानते हैं कि संजय गांधी थे, दूसरे राजीव गांधी, और तीसरा कमलनाथ को भी इंदिरा गांधी अपना बेटा कहती थी। और एक काफी, आप देखेंगे दो विवादों में भी काफी इनका नाम जुड़ा रहा है। एक तो आप देखेंगे 1984 के बाद जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और उसके बाद आपने सिख दंगे हुए, तो उसमें नाम उसमें में भी दंगों में भी इनका नाम आया हुआ था। और एक आपने देखा होगा कि हवाला कांड भी, इसमें भी इनका नाम आया हुआ था। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग इनके बारे में एक विस्तार से खाका खींचते हैं और बात करते हैं। इनके राजनीतिक सफर को हम लोग देखेंगे। आपने देखा है कुछ समय तक ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और संजय गांधी और इनकी दोस्ती पर भी हम लोग बात करेंगे, और आखिर इंदिरा गांधी के इतने करीब किस तरह से आए उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोगों मैप पर चलिए, देखिए आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, और इसमें आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे जाएगा। कहाँ है मध्य प्रदेश? ये है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं भोपाल है। और इसे राज्य बनाने की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे विधानसभा सीटें आपको 230 देखने को मिले जाएंगी, और राज्यसभा सीटें 11 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ 29 हैं। और आपको ये भी बता दो, 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, और 2019 में तो आप देखेंगे कि इन्होंने अपने बेटी को चुनाव लड़ाया था, कहां से? छिंदवाड़ा से, कांग्रेस के पास 29 में से एकमात्र सीट छिंदवाड़ा ही जीत पाई थी, वो भी आप देखेंगे कमलनाथ के कारण। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे छिंदवाड़ा में उन्होंने काफी विकास किया हुआ है, अगर आप लोग छिंदवाड़ा में जाएंगे तो आपको मालूम भी चल जाएगा। और अगर हम लोग मध्य प्रदेश से लगे राज्यों की बात करें तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, नीचे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ सन 2000 के पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता थे, और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब तक क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता था। अब आपको मालूम होगा कि राजस्थान पहले नंबर पर है और आपका मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं कमलनाथ, आप देख भी सकते हैं। अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो कमलनाथ इनका नाम है, और आपको बता दूं इनकी जाति भी कई बार पूछ लेता है, कई लोग जानने में दिलचस्पी भी रखते हैं आजकल, तो खत्री पंजाबी ये हैं। ठीक है, तो कमलनाथ पंजाबी हैं, और इनका जन्म होता है 18 नवंबर 1946 को, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था उस समय कमलनाथ का जन्म होता है। और एक तरह से आप यहां ये भी देख सकते हैं कि देखिए ये गांधी गांधी जी के समय भी ये थे,
और जवाहरलाल नेहरू के समय भी ये थे, और आप देखिए इंदिरा गांधी के समय भी ये थे, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के समय भी ये हैं, और आगे पता नहीं क्या क्या देख लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि एक लंबी रेस के एक तरह से राजनीतिक खिलाड़ी माने जा रहे हैं। और इनके जन्म स्थान की बात करें तो कानपुर संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था उस समय। आपको जो उत्तर प्रदेश देखते हैं इसे आप लोग संयुक्त प्रांत कहते थे, और ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था कानपुर। और आप जानते हैं आप लोग की उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर पड़ता है। इनके अगर हम लोग पिता की बात करें तो महेंद्रनाथ इनके पिता थे, और माता की बात करें तो लीला नाथ इनकी माता का नाम, और पत्नी की बात करें तो अलका नाथ, एक बार ये भी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं छिंदवाड़ा से। ठीक है, तो अलका नाथ भी राजनीति से जुड़ी हुई है। इनके दो बेटे भी हैं, एक तो आप जानते हैं कि नकुल नाथ जो अभी लोकसभा सदस्य भी हैं छिंदवाड़ा से, और एक का नाम है बकुल नाथ। ठीक है, इनके दो बेटे हैं। अगर हम लोग कमलनाथ की शिक्षा की बात करें तो दून स्कूल देहरादून से इनकी शुरुआती शिक्षा होती है, और आप देखेंगे इसी स्कूल में इनकी दोस्ती संजय गांधी से हो जाती है जो इंदिरा गांधी के बेटे थे। और आगे की इनकी शिक्षा की बात करें तो सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से इन्होंने बीकॉम की हुई है, और एक खेल में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं ये। आप देखेंगे कोलकाता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब, टॉलीगंज क्लब कोलकाता, दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सदस्य भी, और एक्स चीफ पैट्रन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी रह चुके हैं। और अभी आप बात करें तो राजनीति में है, यानी कि राजनेता है, और आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और याद रखिए कांग्रेस वही है जो 1885 में बनाई गई थी। लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ कि आज की कांग्रेस में उस समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क था। ठीक है, अब बात करें अगर इनकी संपत्ति की, क्योंकि मैंने बात की हुई है कि जब ये मुख्यमंत्री बने उस समय सबसे सबसे एक तरह से अमीर मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में जमा किए शपथ पत्र में कमलनाथ के पास कुल 187 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज की गई थी। कितना? 187, यानी कि अभी आप देखेंगे सबसे अमीर यही है एक तरह से, राजनेताओं की बात कर रहा हूं। और इंदिरा गांधी के बेटे अगर संजय गांधी से दोस्ती की बात करें हम लोग, तो कमलनाथ और संजय गांधी की दोस्ती की शुरुआत स्कूल जो देहरादून में था यहीं से इनकी दोस्ती होती है। और आगे चल के आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की काफी निकट आ जाते हैं, और संजय गांधी ने राजनीति में कदम रखा तब आप देखेंगे उन्हें कई जगहों पर रैली में शामिल होने के लिए कमलनाथ को उसमें बुलाया गया, और अपनी दोस्ती की कई बार उपयोगिता भी साबित की है इन्होंने। आपने देखा होगा कि 1980 में असमय संजय गांधी की डेथ हो जाती है, यानी कि मौत हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कमलनाथ ने अपने कार्यों से इंदिरा गांधी को काफी प्रभावित भी किया हुआ था, और इसी वजह से आप देखेंगे कि कमलनाथ को गांधी परिवार का अटूट हिस्सा भी बन गए थे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी ने इन्हें तीसरा बेटा भी कहा था। और आपने देखा होगा छिंदवाड़ा के लोकसभा चुनाव में जो 1980 में होते हैं उसमें इंदिरा गांधी प्रचार के लिए भी इनके आए हुए थे, और उस समय इन्होंने कहा भी था इंदिरा गांधी ने कि ये हमारा तीसरा बेटा है संजय और राजीव के बाद। एक बार आपने देखा है कि जो 1975 से 77 के बीच जो इमरजेंसी लगाई गई थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी आपकी, तो उस समय आप देखेंगे संजय गांधी ने दोस्ती के कारण गांधी परिवार से कमलनाथ का गहरा नाता रहा है। और यूथ कांग्रेस के दिनों में संजय गांधी ने कमलनाथ को पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे और प्रिय रंजन दास मुंशी को टक्कर देने के लिए उतारा था, और इमरजेंसी के बाद संजय गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और कमलनाथ तब संजय गांधी के लिए जज के साथ बदतमीजी कर बैठे, और इस वजह से आप देखेंगे इन्हें कुछ समय तक तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा था। और इंदिरा गांधी की नजरों में इस समय कमलनाथ का कद और भी बढ़ गया था। उसके बाद आप देखेंगे इंदिरा गांधी ने जब तीसरा बेटा करा, ये साल 1980 था, और जब पहली बार इन्होंने लोकसभा सदस्य लड़ा को चुनाव लड़ा कहाँ से, छिंदवाड़ा से, और वहां से आप देखेंगे 9 बार एक तरह से लोकसभा सदस्य रहे। और आपको मालूम हो गया कि लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी एज भी 18 साल हो चुकी है तो आप भी देखते होंगे कि आप भी वोट डालने के लिए जाते होंगे, आप विधायक को भी चुनते होंगे और लोकसभा सदस्य को भी चुनते होंगे।
तो छिंदवाड़ा में आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी आती हैं और इंदिरा गांधी एक भाषण देती हैं और वे कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग कांग्रेस नेता कमलनाथ को वोट दीजिए, मैं चाहती हूं कि आप मेरे तीसरे बेटे कमलनाथ को वोट दें। तब लोगों ने नारा भी दिया था कि इंदिरा के दो हाथ संजय और कमलनाथ। और यहीं से आप देखेंगे लोगों को एक तरह से लोग कहने लगे कि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं। और आप ये देखेंगे भी कि देखिए फिर चाहे आपके कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, एक कांग्रेस के काफी एक तरह से वफादार भी रहे हैं। और आप देखेंगे कांग्रेस ने इन्हें बहुत कुछ दिया भी है, समझ रहे हैं। अब बात आती है इनकी राजनीतिक सफर की, तो आप देखेंगे कि 1980 में पहली बार ये चुनाव लड़ते हैं, छिंदवाड़ा से सांसद की सीट के लिए लड़ते हैं और इसमें ये जीतते भी हैं। और इस समय आप देखेंगे इनकी उम्र 34 साल की थी जब ये लोकसभा सदस्य बनते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कमलनाथ 9 बार यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, कहाँ से, छिंदवाड़ा से। 1984 में, 1990 में, 1991 में, 1998 में, 1999 में, सन 2004 में, 2009 में, 2014 में, और 2019 में आप देखिए लोकसभा जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें इनके बेटे नकुलनाथ लोकसभा सदस्य हैं, कहाँ से, छिंदवाड़ा से। 28 29 सीटों में से आप देखेंगे 28 सीटें कांग्रेस हार चुकी थी मध्य प्रदेश की, केवल एक सीट आप देखेंगे नकुलनाथ कांग्रेस की तरफ से जीते हुए हैं। सिंधिया आप देखें कि सिंधिया भी यहाँ से चुनाव हार गए थे, बाद में आपने देखा है कि सिंधिया बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद आपने देखा है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर जाती है। ये सन 2020 की बात है। और अभी आप देखते हैं कि सिंधिया बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी है और मंत्री भी है कैबिनेट में। और साल 1996 में आपने देखा होगा कि कमलनाथ पर हवाला कांड में भी इनका नाम जोड़ा गया था, और उसी साल आप देखेंगे चुनाव नहीं लड़ा था इन्हें, लेकिन इस समय इनकी पत्नी अलका नको छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ा है और वो जीती भी थी। और एक साल बाद आप देखेंगे हवाला केस से बरी होने के बाद कमलनाथ अपनी पत्नी का एक तरह से इस्तीफा दिलाते हैं और वो चुनाव सीट से लड़ते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो दोबारा चुनाव होता है तो इसमें कमलनाथ को भाजपा के सुंदरलाल पटवा ने उन्हें हरा दिया। तो इस बार आप देखेंगे 1996 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उपचुनाव एक तरह से आप कह सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कि कमलनाथ चुनाव हार जाते हैं छिंदवाड़ा से। तो ये भी याद रखिएगा, एक बार हार का मुंह भी इन्हें देखना पड़ा। अगर हम लोग कमलनाथ के पदों की बात करें तो साल 1991 से 1994 तक केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं, साल 1995 से 1996 तक कपड़ा मंत्री भी रहे हैं, सन 2004 से लेकर 2008 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी बने, कैबिनेट की बात कर रहा हूँ केंद्र में। साल 2009 से लेकर 2011 तक केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री का पद भी इन्होंने संभाला हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं कि 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है। 2014 में आपने देखा है जो लोकसभा 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई थी, बीजेपी आई हुई थी, उसके बाद आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए थे। और आप देखेंगे साल 2000 सन 2000 से 2018 तक राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे हैं। और आप देखेंगे कि 16वीं जो लोकसभा थी इसके अस्थायी अध्यक्ष भी बने हैं। 4 जून 2014 से लेकर चुनाव अध्यक्ष का चुनाव होने तक, यानी कि 6 जून 2014 तक ये अस्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि 18वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। और जो आपने देखा है कि 20 19 20 विधायकों को लेकर एक तरह से आपने देखा होगा कि ज्योतिराज सिंधिया ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और कमलनाथ की सरकार गिर जाती है, कमलनाथ इस्तीफा दे देते हैं अपना। तो यहाँ तक इनका एक तरह से मुख्यमंत्री पद पर रहे, 2018 से दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक लगभग। और अभी आप देखेंगे तो जून 2019 में छिंदवाड़ा से विधायक भी बने थे। देखिए 2018 में दिसंबर में जब कांग्रेस की सत्ता आती है, कांग्रेस जीतती है चुनाव और मध्य प्रदेश में बहुमत मिलता है, तो यहाँ कमलनाथ मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। लेकिन आप सभी को मालूम भी होगा कि अगर आपको मुख्यमंत्री या मंत्री या केंद्र में आप देखेंगे प्रधानमंत्री या कैबिनेट में मंत्री बनने के लिए ये एक तरह से अनिवार्य नहीं है कि आप लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य हों या आप लोग विधानसभा या विधान परिषद से सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा है कि आप लोग 6 महीने तक रह सकते हैं।
और 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा, या अगर राज्य में है तो आपको राज्य में विधानसभा या विधान परिषद से सदस्य बनना अनिवार्य होता है। और इसमें इस मामले में आप देख भी सकते हैं। और इसी तरह आपने देखा है उद्धव ठाकरे हो या नीतीश कुमार हो, आप लोग ये सभी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस समय आप एक किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते हैं, लेकिन आगे चल के ये सदस्य बन जाते हैं एक तरह से, ठीक है। और आप देखेंगे कई कंपनियों के मालिक भी हैं, 23 यानी कि 23 कंपनियों के बोर्ड मेंबर हैं। कौन? कमलनाथ। कमलनाथ बिजनेस घराने से ताल्लुक रखते हैं और वह भी एक बिजनेस टाइकून है। उनका बिजनेस रियल एस्टेट, एविएशन, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन के क्षेत्र में फैला हुआ है। वह देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थान IIMT गाजियाबाद के डायरेक्टर भी रहे हैं और करीब 23 यानी कि 23 कंपनियों के बोर्ड मेंबर भी हैं। और ये कारोबार अभी आप देखेंगे तो इनके नकुलनाथ, दो बेटे हैं बकुलनाथ, ये दोनों संभालते हैं एक तरह से। और आप देखेंगे इन्होंने छिंदवाड़ा से काफी काम भी किया हुआ है और यही वजह है कि आप देखिए लंबी पारी एक तरह से खेलते आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब मोदी सरकार की 2014 के ले लीजिए या 2019 में ले लीजिए, फिर भी आप देखिए कि छिंदवाड़ा की सीटें अपनी बरकरार रखते हैं, बचा लेते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कुछ तो खास इन्होंने काम किया होगा, कुछ तो रहा होगा। तो छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद भी रहे हैं और इस इलाके में काफी इन्होंने काम भी किया हुआ है। स्कूल, कॉलेज या फिर IIT पार्क देख लीजिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वेस्टर्न कोल फील्ड्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां भी यहाँ खुलवाई। क्लॉथ मेकिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस इलाके में काफी खुले हुए हैं, तो ये भी दे सकते हैं। और लेखक भी हैं, भारत की शताब्दी एवं व्यापार निवेश उद्योग, ये किताबें तो इनकी एक तरह से प्रकाशित हो चुकी हैं। और इसके बाद आप देखेंगे इनके प्रमुख सम्मान भी कुछ मिले हुए हैं, जब काम आप कुछ करोगे तो सम्मान भी मिलेंगे। साल 2006 में जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने कमलनाथ को डायरेक्टर की उपाधि देकर उनका सम्मान भी किया हुआ था। और कमलनाथ ने 1972 में बांग्लादेश की आजादी के योगदान के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने उन्हें प्रशस्ति देकर सम्मानित भी किया हुआ था। आप देखेंगे कि जो 1971 का भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद ही आप देखेंगे बांग्लादेश नया देश उभर के आया हुआ था, आजाद हुआ था एक तरह से, तो उसी समय की बात करें, इंदिरा गांधी थी इस समय प्रधानमंत्री। साल 1991 में हुए पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, भारत देश का कुशल नेतृत्व करने के लिए कमलनाथ को प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया था। और साल 1999 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा कमलनाथ को आमंत्रण व्याख्यान भी मिला था। और साल 2008 में इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा कमलनाथ को रिफॉर्म ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में आप देखेंगे एशियन बिजनेस लीडरशिप फॉर्म अवार्ड 2012 का ABLF स्टेट्समैन अवार्ड भी कमलनाथ को दिया जा चुका है। इनसे जुड़े अगर हम दो विवादों की बात करें, वैसे तो आप देखेंगे काफी ईमानदार नेता हैं, ये दो विवाद ही इनसे रहे, लेकिन बाद में आप देखेंगे इस विवादों से भी इनका नाम हट चुका था। एक तो आप सभी जानते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है, उसके बाद आपने देखा पंजाब, खासकर पंजाब में सिख विरोधी दंगे होते हैं और इसमें आप देखेंगे कई हजार सिख एक तरह से बेघर हो गए, कई लोगों की एक तरह से मौत भी हुई, हत्या भी कर दी गई। तो इसमें आप देखेंगे सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं की तरह दंगों में कमलनाथ की भूमिका स्पष्ट नहीं हो सकी, लेकिन इसमें कमलनाथ पर आरोप था कि वह 1 नवंबर 1984 को नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में तब मौजूद थे जब भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया था। और इनका ये इन्होंने भी सफाई दी हुई है, इनका कहना है कि एक तरह से मैं यहाँ दंगे रोकने के लिए गया हुआ था, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने भेजा हुआ था, ठीक है। एक दूसरा इन पर विवाद खड़ा हुआ था हवाला कांड से, और 1996 में जब कमलनाथ पर हवाला कांड का आरोप लगा तब पार्टी ने छिंदवाड़ा से उनकी पत्नी अलका नाथ को टिकट दिया था, वो इनकी बीबी जीत भी गई थी, लेकिन अगले ही साल हुए उपचुनाव में कमलनाथ हार गए थे और छिंदवाड़ा से उनकी केवल एक ही हार है, बाकी आप देखेंगे 9 बार लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। तो ये रही है कमलनाथ की कहानी, समझ रहे हैं। अगर इन दोनों कांडों को हम लोग छोड़ दें तो बाकी इन्हें क्लीन चिट है एक तरह से, काफी ईमानदार छवि के आप लोग नेता कह सकते हैं, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन आप देखिए कि इन पर कोई विवाद नहीं होना एक बड़ी बात होती है। चलिए एंजॉय करिए, जानते रहिए, और भी किसी के बारे में अगर बात करनी हो तो बताइएगा, उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे।